हेलो फ्रेंड, मैं अवंतिका आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल अवंतिका गार्डनिंग टिप्स पे। आज की वीडियो में बात करेंगे कोलियस प्लांट के बारे में। अक्सर देखा जाता है कि कोलियस प्लांट जो कि गर्मियों में ख़राब होने लगता है, उसमें कई प्रकार की बीमारियाँ लग जाती हैं, इससे हमारा पौधा पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। तो बने रहिए मेरी वीडियो पे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। कई बार समस्याएं ये होती हैं। पहली समस्या ये है कि गर्मी जैसे जैसे हमारे यहाँ बढ़ने लगती है, वैसे ही इसकी जो नई ग्रोथ होती है वो सूखने लगती है। इस प्रकार से आप वीडियो में देख पा रहे होंगे इस तरीके से। तो इससे पूरे तरीके से पौधा हमारा ख़राब होने लगता है। जब जहाँ से ग्रोथ हो रही है वहीं बीमारी लग जाएगी तो हमारा पौधा नहीं बच पाएगा। दूसरी समस्या होती है कि ये इसके ऊपर पत्तों पे ब्लैक ब्लैक से बहुत छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, वो भी पत्तों को खा करके हमारे पौधे को नष्ट कर देते हैं। पानी की कमी से भी गर्मियों में पौधा हमारा मरता है, तेज़ धूप से भी मरता है। तो इसके बचाव के लिए आपको सबसे पहले तो इसकी हर रोज़ सावरिंग करनी है। सावरिंग करने के लिए आपको सुबह का समय रखना है 10 बजे से पहले। 10 बजे के बाद जब तेज़ धूप आ जाए उसके बाद हमें पौधे पे सावरिंग नहीं करनी है। शाम के टाइम 5 बजे के बाद, सूर्य अस्त होने के बाद इसके ऊपर सावरिंग करनी है। इसको ऐसी जगह रखना है जहाँ पे बहुत हल्की धूप आए, क्योंकि ये सनलवर प्लांट है तो इसको धूप चाहिए, लेकिन बहुत ही हल्की। सर्दियों की जैसी धूप होती है ऐसी धूप आप उसको दे सकें तो ऐसी जगह रखिए। अगर आपका पूरे दिन छत पे ही पौधा रह रहा है तो उसको ऊपर से किसी चीज़ से कवर कर दीजिए। ग्रीन नेट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी भी कपड़े से या कुछ छावनी टाइप से बना दीजिए। इससे हमारा पौधा धूप के संपर्क में कम आएगा तो पौधा हमारा ख़राब नहीं होगा। अगर आपके पौधे पे कीड़े लग चुके हैं, ऊपर की कल जो ग्रोथ होती है वो सूखने लगी है, तो इसके लिए आपको शाम के 5 बजे के बाद ओपनो की राख को स्प्रे कर देना, पूरी तरीके से उसके ऊपर छिड़काव कर देना है। उसके अगले दिन सुबह के टाइम इसको धुल देना है। कोशिश करिए दोपहर के समय इस पर ओपलो की राख नहीं डालना है। अगर आप ओपलो की राख नहीं डालना चाहते हैं तो नीम ऑयल है या कोई भी फंजीसाइड का स्प्रे कर दें तो इससे भी हमारा पौधा बचा रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि पौधे में जब नमी ख़त्म हो जाती है तो भी हमारा पौधा सॉक में चला जाता है या पूरी तरीके से लटक जाता है, मुरझा जाता है। तो ऐसा भी नहीं करना है, पौधे में हमेशा नमी बना के रखनी है। अगर आपके पौधे में पौधा बड़ा हो गया है, गमला छोटा है, उसकी जड़ें ज़्यादा हैं तो पानी बहुत जल्दी वो अपने अंदर सक कर लेता है, तो इसके लिए आप नारियल के छिलके या फॉम के टुकड़े या किसी भी कॉटन का कपड़ा भिगो करके गमले के नीचे रख लेना है, जड़ के पास जहाँ से हमारा पौधा ग्रोथ करता है, जहाँ से वो लगा होता है मेन पोर्शन, उसके चारों तरफ आप गीले कपड़े को रख दीजिए। जो भी आपके पास उपलब्ध हो, नारियल का छिलका या फॉम के टुकड़े, कॉटन का कपड़ा, कॉटन का कपड़ा, नारियल का छिलका बहुत ही अच्छा होता है। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो आप कोई भी अपने गार्डन से सूखे पत्ते या कुछ भी उससे मल्च कर दीजिए, उसके ऊपर हल्का सा पानी छिड़क दीजिए। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात होती है, अक्सर हम सोचते रहते हैं कि इसके अंदर पानी नहीं है, ऊपर की लेयर सूख गई है तो हम पानी फिर से देते हैं। तो पानी जब भी देंगे, अगर आपने मल्चिंग किया है तो एक बार मल्च को हटा के देख लीजिएगा कि उसके नीचे पानी की नमी है। अगर नमी है तो पानी नहीं देना है, नमी नहीं है तो पानी देना है। ऐसे ही आप अपने पौधे को पूरे साल बचा सकते हैं। कोशिश करिए गर्मी के समय पौधे को कटिंग नहीं करनी है, बार बार अंदर बाहर नहीं करना है, पूरी तरीके से जहाँ रखा है वहीं रखना।